तस्वीर में जिन सी लायंस के पिल्लों को आप मौज मस्ती के मूड में देख रहे हैं, दरअसल वो कुपोषण का शिकार हैं और इस वक्त जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। फिलहाल इन पिल्लों को लॉस एंजल्स से करीब 25 किलोमीटर दूर दक्षिणी इलाके में स्थित मरीन मैमल केयर सेंटर में लाया गया है, जहां रेस्क्यू टीम मेंबर्स दिन रात इनकी हर संभव देखभाल में लगे हुए हैं। सेंटर के मुताबिक पिल्लों को वापस समुद्र में छोड़ने में 90 दिन का समय लगेगा। पिल्लों का वजन काफी कम है और ये हमारे लिए बेहद चिंता का विषय है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, किसी भी निष्कर्ष पर आना मुश्किल होगा। केयर सेंटर के मुताबिक सी लायंस के पिल्लों की हालत बेहद नाजुक है, लेकिन ऐसा क्यों है और इसके पीछे क्या कारण है, सेंटर इसका पता लगाने में जुट गया है। पिल्लों में डिहाइड्रेशन और कम वजनी होने की शिकायत ज्यादा है। हमारे लिए ये पिल्लों का सही पोषण सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर है। नेशनल ओशियनोग्राफिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक साल की शुरुआती सीजन में अब तक 948 पिल्लों में कुपोषण का मामला सामने आया है। वहीं वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स पिल्लों में बढ़ते कुपोषण के मामलों की गहराई से जांच में जुट गए हैं। अभिषेक रॉय के साथ माधुरी टांक, जानो दुनिया।